अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब। अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो। आज जबकि यहाँ पे भावलपुर में माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है, तो सब घर वालों ने सोचा है कि क्यों ना समोसे बनाए जाएं। तो हम लोग यहाँ पे बनाने लगे हैं चाइनीज़ समोसे। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है इनकी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। और बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। चलिए इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। और फिलिंग के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1/2 kg चिकन, और उसमें मैं ऐड करने लगी 1 tablespoon सॉल्ट, ठीक है। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1.5 tablespoon काली मिर्च कुटी हुई, और इसमें 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे योगर्ट, ठीक है। 3 tablespoon मैं अभी फ़िलहाल डालूंगी, बट बाद में अगर मुझे लगा ज़रूरत हुई तो मैं और भी ऐड कर लूंगी, 2 से 3 spoon, ठीक हो गया। अब इसको बस अच्छे से मिक्स करना है, और इसको फिर मैं रख दूंगी 15 to 20 minutes के लिए मैरिनेट होने के लिए, ठीक है। तो चलिए जी, इसमें मैं थोड़ी सी 2-3 tablespoon और योगर्ट ऐड करके इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम लोग समोसे की पट्टियाँ तैयार करते हैं, और उसके लिए 2 cup आप लोगों ने ले लेना है मैदा, और उसको छान लेना है। और इसमें 1/2 tablespoon सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। और 1 tablespoon ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो करें, अगर आप लोग को नहीं पसंद तो आप लोग मत करें, ठीक है। और मैंने 3-4 tablespoon घी लिया था, उसको गरम कर लिया था, और ज़्यादा गरम नहीं करना कि वो जल जाए। गरम करके उसको मैंने पानी में ऐड करके अब उसके साथ उसी पानी के साथ इसको गूंद रही हूँ। आप लोग सेपरेट अगर घी डालकर गूंदना चाहते हैं, फिर पानी के साथ गूंदना चाहते हैं, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। हमारा मैदा तैयार है, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में नहीं, ताकि ये सही पड़ा रहे, गर्मी है तो मेल्ट ना हो इस वजह से। और जब तक हम अपना चिकन पका लेते हैं। चिकन मैरिनेट हो चुका है, मैंने पैन में 4-5 tablespoon ऑयल डाला था, ठीक है। उसको हल्का सा गर्म करके और उसमें चिकन ऐड कर रही हूँ अब मैं, और इसको हम लोगों ने पका लेना है, ठीक है। और यहाँ भावलपुर में तो लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं सब, और आप ही राइस बना रही हैं, मैं यहाँ पे समोसे बना रही हूँ, और फिर हम लोग इन्हें चाय के साथ खाएंगे भी और मज़े भी लेंगे इनके, ठीक है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, स्पेशली जब मौसम बना हो तब तो लाजमी करनी चाहिए आपको ट्राई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 tablespoon सिरका, वन टेबल स्पून सोया सॉस, एंड 1 tablespoon इसमें चिली सॉस ऐड करना है। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे हम लोग। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई, और इसको पकने के लिए ठहरा दूंगी। चलिए जी, देखिए ये तकरीबन पकने ही वाला है, बस अब हमारा चिकन। चलिए देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से ब्रेक कर लिया है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और अब इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करने लग गई हूँ। वेजिटेबल सबसे पहले मैंने कैरेट ऐड की है, और शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ अब। मैंने 2-2 ही ली हैं, आप लोग की मर्ज़ी, आप जितनी भी ऐड करना चाहें। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बंद गोभी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई करना है, और उसके बाद इसको मैंने उतार लेना है, ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो हल्की सी फ्राई हो जाएं, क्योंकि चिकन ऑलरेडी पक चुका है, ठीक है। और अब तो रात होने वाली है, काफ़ी अंधेरा हो गया है, लाइट अभी तक भी नहीं आई है हमारे घर, देखें कब आती है लाइट। चलिए जी, ये तैयार है,
अब मैं इसको निकाल लूँगी बाउल में और अब हम लोग हमारा जो है पट्टियाँ बनाते हैं समोसे की। ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसा आप लोगों ने पेड़ा बना लेना है और उसको ऐसे ही बेलने के साथ बेल लेना है। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये जो मैंने आटा गूंदा था ये बड़े समोसों की पट्टियों के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, बट इससे छोटे समोसे की पट्टियाँ भी बन सकती हैं अगर आप लोग ज़ीरा ऐड नहीं करना चाहते तो ना करें। बट मैंने भाई से छोटे समोसे की पट्टियाँ मंगवाई थी तो वो उन्हें मिली नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े समोसों की शेप नहीं दूंगी, मैं यहाँ पर छोटे समोसों की शेप ही बनाऊंगी, ठीक है। और बड़े समोसों की शेप इंशाल्लाह हम लोग फिर कभी मैं बनाएंगे और फिर मैं आप लोग को वो भी बता दूँगी कि उसकी शेप किस तरह से दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से कट कर ली हैं पट्टियाँ और अब मैं इनको छोटे समोसों की शेप देने लगी हूँ, ठीक है। इसमें मसाला ऐड करेंगे, ये बात नहीं है कि आप लोग इस मसाले को जो आप लोगों ने तैयार किया है फिलिंग उसको आप बड़े समोसों की जो शेप देकर उसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप लोग बड़े समोसे की शेप देना चाहते हैं तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट मुझे पर्सनली यहाँ पे आज छोटे समोसे खाने का दिल था तो मैंने इसीलिए कहा कि बस मुझे छोटे समोसों की शेप देनी है तो मैं वही शेप दे रही हूँ। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको किसके साथ अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा लिया था और उसको मैंने उस पानी के अंदर डिसॉल्व करके और वही यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि ये चिपके, अच्छे से चिपक जाए, ये खुले नहीं। सो आई होप आपको छोटे समोसों की शेप किस तरह से दी जाती है ये पता चल गया हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बड़े समोसे भी आप लोगों को बनाना सिखा दूँगी। चलिए जिस तरह से आप लोगों ने बाकी सारे तैयार कर लेने हैं और अब हम लोग फ्राई कर लेंगे, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर। बस जैसे ही इनका लाइट ब्राउन सा कलर आएगा मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के राइस भी तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे समोसे भी तैयार हैं और चाय भी बन चुकी है, बस हम लोग को निकालेंगे और खाएंगे। ये देखिए हमारी माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से चाइनीज़ समोसे बने हैं, ठीक है। तो आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ किया करें। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।